हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय फूड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कंडेंस मिल्क, जिसका यूज़ आप बहुत से स्वीट डिशेस में कर सकते हो। और ये कंडेंस मिल्क जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आधा लीटर दूध का पैकेट लिया है मैंने, अमूल का दूध लिया है। आप चाहो तो कोई और दूध भी ले सकते हो। बेकिंग पाउडर और 1 कप चीनी यानी कि शुगर। सबसे पहले हम लेंगे दूध। यहाँ पर हमें दूध उबलने का वेट करना है। दूध उबलते ही हमें इसमें चीनी और बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बीच बीच में हमें दूध को चलाते रहना है ताकि ये तले में ना लगे। गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। आप देख सकते हो दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और बेकिंग पाउडर। चीनी 1 कप। अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाजू में दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग पाउडर लेना है हमें यहाँ पे। और इसे अभी ऐसे ही चलाते रहना है। बेकिंग पाउडर से दूध थिक हो जाएगा। मार्केट में आपको कंडेंस मिल्क इजीली मिल जाएगा, लेकिन आप इसे घर पर कम पैसों में बना सकते हो। हमें दूध गाढ़ा होने तक चलाते रहना है। दूध उबल कर अभी आधा हो चुका है, हमें इसे और गाढ़ा कर लेना है। कंडेंस मिल्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस अब थोड़ा सा और गाढ़ा होने देना है हमें इसे। आप कंडेंस मिल्क का यूज किसी भी स्वीट रेसिपी बनाने के लिए कर सकते हो, जैसे कि गाजर का हलवा, कोई भी मिठाई इसका यूज कर सकते हो। अब ये कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।